नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी चिंतित हैं, आप सभी काफी ज्यादा परेशान हैं और आगे का रास्ता क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। आज ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे ओमिक्रॉन और कोविड-19 अब आगे कैसा बिहेव करने वाले हैं, किस तरह से ओमिक्रॉन की स्थिति रहने वाली है, भारत और दुनिया में ओमिक्रॉन का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस तरह से रिकवरी देखने को मिलेगी, कब कहां कितनी मुश्किलें और कितनी परेशानियां यहां पर देखने को मिलेगी, इसको हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ओमिक्रॉन की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो नवंबर मिड के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, नवंबर मिड 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसमें अफ्रीका से जब शुरुआत हुई थी उस समय समय बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए अफ्रीका में इंस्टेंट रिकवरी यहां पर देखने को मिली थी। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ओमिक्रॉन का नहीं देखने को मिला। एंड उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो यूके और यूएस में 15 दिसंबर के बाद से केसेस के बढ़ने की संख्याएं ज्यादा होने लगी, सडन स्पाइक हमें देखने को मिला, सडन बदलाव चेंजेस वातावरण में हमें देखने को मिला। 27 दिसंबर 2021 ये वो डेट था जब भारत में ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई, ओमिक्रॉन ने धीरे धीरे भारत में पांव पसारना शुरू किया और जैसे ही 2021 का साल खत्म हुआ, हमने 2022 में प्रवेश किया, वैसे ही यहां पर भारत में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत जल्दी स्पाइक होने लगे थे। 2 जनवरी 2022 ये वो समय था जब यहां पर भारत में केसेस की संख्या एकदम से बढ़ने लग गई, एकदम से ग्राफ बढ़ने लगा और 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। दिल्ली और मुंबई में पैनिक वाला माहौल यहां पर क्रिएट हो गया, एक तरह की स्थिति बहुत ज्यादा खराब और विकराल देखने को मिल गई और इसी बीच में आधे से ज्यादा लोगों ने, 90% लोग यहां पर कह सकता हूं जितने मेरे पास मैसेजेस आए, उन सभी ने यह मान लिया कि 2022 की शुरुआत ही खराब है और इससे पूरा साल यहां पर खराब हो जाएगा, 2022 के साल को 2020 और 21 के कंपैरिजन में ज्यादा खराब मानना आप सभी ने अभी से शुरू कर दिया। क्या वाकई में इतनी जल्दबाजी अच्छी बात है? क्या वाकई में आपको इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए या वाकई में आप इतनी जल्दी निर्णय और निष्कर्ष निकाल लेते हैं? मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था ये सारी चीजें देख के, जब मैंने एनालिसिस किया और जब मैंने आपके मैसेजेस के रिव्यूज देखे, मैं बड़ा शॉक था उस समय कि एनालिसिस कुछ और कह रहा है, आप सभी की मेंटेलिटी कुछ और कह रही है और सामने की परिस्थितियां कुछ और कह रही है, तो तीनों में तालमेल की कमी थी और तालमेल की कमी में सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो शुक्र का यहां पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था शुक्र, शुक्रदेव यहां पर अस्त थे 2 तारीख से ही और वहां पर सेटिस्फेक्शन की कमी यहां पर देखने को मिल गई, एक तरह से मन में किसी चीज का डर देखने को मिल गया, हैप्पीनेस एक तरह से गायब सी हो गई और काफी ज्यादा दिक्कतें, काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल गई, तो इस कारण से आप काफी ज्यादा परेशान हो गए, काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन यहां पर देखने को मिल गई। इसी बीच में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, यूके में और यूएस में अच्छी न्यूज देखने को मिली, अच्छे रिसर्च, अच्छा डेटा देखने को मिला। यहां पर आप सभी देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यूएस की तरफ से रिकवरी देखने को मिली, यूएस में कहीं ना कहीं केसेस में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है ये बात पता चली, यूके में भी लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपनी रिकवरी को एक्सेप्ट करना शुरू किया और ये पता चला कि डेथ रेट बहुत ही ज्यादा कम है। जब उन्होंने भारत के डेटा को एनालिसिस किया तो भारत में भी कुछ इसी तरह के संकेत देखने को मिले, भारत में केसेस की संख्या बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ रिकवरी कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आ रही है और डेथ का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता हुआ नजर आ रहा है, कोविड 19 या डेल्टा के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन की डेथ का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है या नहीं के बराबर है ये कह सकता हूं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज यहां पर देखने को मिली। इसी बीच में एक आर्टिकल और मेरे नजर में आया जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया जो है आप सभी जानते होंगे नाम से उनको, एम्स के डॉक्टर हैं वो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमिक्रॉन कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और ओमिक्रॉन हल्की बीमारी है, सतर्क रहना जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है, ये बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही, ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी। इसी बीच में पिछले 2 दिनों में मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आए जो कि उन लोगों के थे जिनको ओमिक्रॉन हुआ है, जी हाँ उन सभी के मेरे पास कॉल्स आए जिनको ओमिक्रॉन हुआ है एंड उन्होंने मुझे अपडेट देने की कोशिश करी कि सर हमें भी 3-4 दिन परेशानियां रही थी, मेरे को 31 दिसंबर को ओमिक्रॉन हुआ था और 3 तारीख तक मैं परेशान था, 4 तारीख को मेरे को एकदम से यहां पर नॉर्मल देखने को मिल गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और साथ ही साथ मुझे 1 दिन बुखार की शिकायत रही थी, उसके बाद मैंने रिकवरी ले ली और एक सर को 2 दिन बुखार देखने को मिला, उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी रिकवरी ले ली।
तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी कहीं ना कहीं कि ओमिक्रोन से जिनको परेशानी थी वो रिकवरी देख रहे हैं एंड वो अच्छे लेवल पे रिकवरी देख रहे हैं। मुंबई के कितने सारे कॉल मैंने अटेंड किए, कितने सारे मैसेजेस मैंने अटेंड देखे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर फ्लू जैसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सर्दी जुकाम है। और हमने जब डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि आप बस ये टैबलेट लीजिए और घर पर ही अपनी टेक केयर करने की कोशिश करिए, हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है या हॉस्पिटल तक आने वाली सीरियस कंडीशन आपकी नहीं दिखाई देती। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले जो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन उतना ज़्यादा खतरनाक या उतना ज़्यादा खराब नहीं है। या फिर ये कहूँगा कि ओमिक्रॉन से पैनिक आप हो सकते हैं, परेशान आप हो सकते हैं, बट ओमिक्रॉन से आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को या अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ऐसे चांसेस नहीं दिखाई देते। इसके बाद अब हम अगर आगे चलते हैं तो 13 तारीख को 13th of January को कालसर्प के प्रभाव नगण्य हो जाएंगे। 15 तारीख को मकर संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अगर नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा, जरूर दिखेगा, त्रिग्रही योग बन रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो है, आपको काफी ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। तो जब भी सूर्य मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है और एक नई ऊर्जा का, नई एनर्जी का संचार होता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लग जाती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर इस बात को मैं मानूं, क्योंकि 2021 में भी हमने यही चीज देखी थी और हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी थी, इसी वजह से हम काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे थे 2021 में भी, और यही एक रीजन है कि 2022 में भी हम जल्दी जल्दी रिकवर करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में मंगल का आना अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, काफी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश को रिकवरी, हमारे देश की जनता को रिकवरी देखने को मिल जाएगी। 15 जनवरी के बाद से दक्षिण दिशा में बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, साउथ डायरेक्शन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी भारत में। साउथ और वेस्ट की तरफ चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती जाएंगी, नॉर्थ में अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा बट नॉर्थ में भी बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर आप देखें और अमेरिका की तरफ भी अगर आप देखें तो वहां पर भी ऑलरेडी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और 13 जनवरी के बाद से यूके की तरफ से अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएंगी, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं। अमेरिका को हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छी न्यूज देने में, बट अमेरिका में भी इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस ना आके बहुत जल्दी यहां पर रिकवरी महसूस होगी। अमेरिका में जो रिकवरी है वो 19 जनवरी के बाद से देखने को मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है। इसी बीच में हम सभी के दिमाग में एक और डाउट आता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा या लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन का मतलब क्यों है या क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई प्लेनेट आपको इस बार लॉकडाउन की सिचुएशन में क्रिएट नहीं कर रहे। 2020 जो कि संपूर्ण लॉकडाउन की सिचुएशन बनी थी, वो सिचुएशन यहां पर अभी नहीं बनी हुई है। इसीलिए 2021 में भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा एंड 2022 में भी संपूर्ण लॉकडाउन के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते। ये बात मैंने आपको पहले भी कही दी थी। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन का बनना, नाइट कर्फ्यू का लगना या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस का आना, ये आप सभी की सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना काम करना है एंड गवर्नमेंट प्लैनेट कहीं ना कहीं कुंडली में सपोर्टिव आता है और जनता की सुरक्षा के लिए ही ये सारा काम किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव ले सकते हैं कि हमारा काम रुक रहा है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर आप स्कूल जाते हैं और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? तो कहीं ना कहीं समय आपको सपोर्ट कर रहा है या प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली यू आर इनटू द सेफ जोन एंड द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाएगी तो भी आप गवर्नमेंट को ब्लेम करने वाले हैं, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो भी आप गवर्नमेंट को ही ब्लेम करने वाले हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो शनि प्रधान है, इसीलिए जनता की कहीं ना कहीं आवाज ऊंची हो सकती है, कभी भी इस आवाज को बुलंद किया जा सकता है। तो यहां पर सूर्य का कमजोर होना सरकार को कहीं ना कहीं गिरा सकता है, मतलब कि सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह से चक्रव्यूह में फंसा सकता है। तो इसीलिए सरकार प्रिकॉशनरी चीजें पहले से लेकर के चल रही है ताकि उनके ऊपर उंगली उठाई ना जाए, और ये बिल्कुल साधारण सी चीजें, इसमें कोई गलती, कोई परेशानी यहां पर मैं नहीं कहूंगा। तो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर दिखाई देते हैं। मेडिसिन और वैक्सीन की तरफ से हमें अच्छी न्यूज कंटिन्यूअसली यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप हर चीज को कैलकुलेट करके देखेंगे तो भारत में और दुनिया में ओमिक्रॉन या कोरोना को लेके अच्छी खबरें ही आने वाली हैं आने वाले समय में।
नया वेरिएंट आएगा तब उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक रहेगा और किस तरह से रहेगा। अदरवाइज ओमिक्रॉन यहां पर अगर मैं बात करूं या कोविड 19 की अगर मैं बात करूं और जनवरी के महीने की अगर मैं बात करूं तो जनवरी का महीना काफी हद तक पॉजिटिव महीना है, काफी हद तक अच्छा महीना है। ना तो मैं जनवरी के महीने को नेगेटिव मानता हूं और ना ही मैं 2022 के साल को नेगेटिव मान के चलूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2022 में शुरू के दो महीने फ्लक्चुएशन था, वो फ्लक्चुएशन है और वो रहेगा, वो आपके कुछ भी बोलने या सोचने से नेगेटिव नहीं हो जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोच आपकी है, समझदारी आपकी है, सोचना भी आपको है, समझना भी आप ही को है। प्लैनेटरी पोजिशंस ग्रहों के माध्यम से अगर देखा जाए तो सूर्य, मंगल, गुरु, शनि सारे जो ग्रह हैं वो अच्छे डायरेक्शन में ही अपने आप को लीड कर रहे हैं और यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि कोरोना से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ओमिक्रॉन से हमें बिल्कुल भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। एंड उम्मीद करूँगा कि आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती हैं और यहाँ पर देखा जाए तो भारत में बहुत जल्दी हमें ओमिक्रॉन में या कोरोना में सुधार मिलने को नजर आएगा और भी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी एक नई वैक्सीन के आने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैलकुलेशन में। कल सुबह की वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव किस तरह से होने वाला है, वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी परेशान नहीं होंगे और इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग बना के चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से चीजों को एनालिसिस करके देखने की यहां पर कोशिश करेंगे। चीजें आपके सामने हैं, कोई भी चीज आपसे छुपी हुई नहीं है। थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करिए और चीजों को सही से देखने की कोशिश करिए। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके खिलाफ यहां पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपके नेगेटिविटी के साइड में कुछ भी नहीं है। अगर देखिए ग्रह खराब होते, कालसर्प के ऊपर मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया है ऑलरेडी, कालसर्प अगर खराब होता तो कालसर्प अभी आंशिक बदलने जा रहा है। 13 जनवरी के बाद से तो चीजें बेटरमेंट की तरफ है क्योंकि यहां पर राहु और केतु के प्रभाव जो है वो नगण्य होते जा रहे हैं। तो यहां से लेके आने वाले 15 दिन आपके पास अपनी रिकवरी को स्ट्रांग करने के दिन है, अपने आप को स्ट्रांग करने के दिन है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के दिन है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छा महसूस करेंगे, आप सभी इस डर से बाहर निकलेंगे और आप सभी ओमिक्रॉन और कोविड 19 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।